रेलवे ने जिन कागजों के आधार पर हाई कोर्ट में अपना मुकदमा जीता था वो पेपर जो है वो पहले भी उनके पास सही मौजूद नहीं थे, आज भी मौजूद नहीं है। सीमांकन हुआ, नापाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक रेलवे के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। हम कभी थे ही नहीं रेलवे में, हम अपनी जमीन पे मौजूद थे शुरू से और अभी हम अपनी जमीन पे। पनबोलपुरा का रेलवे अतिक्रमण का मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसका प्रकरण आज इसकी सुनवाई थी और आज आने वाले 2 मई की इसकी सुनवाई रखी गई है। हम इस वक्त उसी 17 नंबर गली पर है जहां लगातार यहां के क्षेत्रवासियों द्वारा जो दुआएं पढ़ी गई थी, देख सकते हैं इसी मस्जिद के बाहर से तमाम जो यहाँ की महिलाएं हैं, तमाम यहाँ के जो क्षेत्रवासी लोग हैं उनके द्वारा यहाँ दुआएं पढ़ी गई थी। आज 7 फरवरी को उसकी सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाली 2 मई को सुनवाई रखी गई है। हालांकि यहाँ के तमाम जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर की निगाहें इस वनभूलपुरा क्षेत्र में थी। हमारे बीच में कुछ स्थानीय लोग हैं, आखिर जानेंगे कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये वनभूलपुरा का मामला पूरे देश भर में चल रहा था। आप तो जानेंगे जिस तरीके से लगातार वनभूलपुरा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, किस तरीके से देखते हैं आने वाली 2 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर रखी गई तारीख। सबसे पहले तो अगर देखने वाली बात हो तो खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और एक राहत भरी सांस ली, क्योंकि बिल्डोजर पूरी तरीके से तैयार थे, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे तोड़ने के लिए, और हजारों लोगों के आंखों में आंसू थे कि हमारे आशियानों का, हमारे घरों का क्या होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी समय से लोग रहे और जब किसी का आशियाना टूटता कितनी तकलीफ होती है उसको, ये तो इंसान ही जान सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने जो आदेश करा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, आज सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ की जो रेलवे है और यहाँ के जो सरकार के द्वारा जो कागज़ मांगे गए थे उन्होंने कागज़ पेश नहीं करे। हमारे पास जो पेपर थे, हमारे पास पहले भी पेपर थे, आज भी हमारे पास पेपर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा पहले भी नहीं किए और आज भी जमा नहीं किए हैं। तो आने वाले समय तो 2 मई बताएगी कि क्या होना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जीत हमारी होगी, हमारे आशियानियों पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। रेलवे के द्वारा जिस तरीके से जो सीमांकन करके जो कोर्ट में जो कागज़ पेश करने थे वो कागज़ पेश नहीं किए गए, हालांकि रेलवे द्वारा आने वाले 2 मई तक का सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा गया था। देखिए हम यहाँ पर जो है 50 वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं, हमारे कागजात पहले भी पूरे थे, आज भी पूरे हैं। रेलवे ने जिन कागजों के आधार पर हाई कोर्ट में अपना मुकदमा जीता था वो पेपर जो है वो पहले भी उनके पास सही मौजूद नहीं थे, आज भी मौजूद नहीं है, इसीलिए उन्होंने रेलवे वालों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। जब उनके पास हाई कोर्ट के जो पेपर उन्होंने लगाए थे जिसके बिहाफ पर वो केस जीते थे, वो पेपर अगर आज लगाते तो आज ही जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना देता। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास अपना कोई जो है जमीन का कोई दस्तावेज ऐसा नहीं है जो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकें और अपनी मालिकाना हक जो है बता सकें। उन्होंने पहले भी गुमराह किया, आज भी वो गुमराह कर रहे हैं और आने वाली जो ये 2 मई की तारीख पड़ी है इसमें भी हमें उम्मीद है कि उनके पास कोई कागज़ नहीं है, लिहाजा वो वहाँ पर भी जो है मुँह की खाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ जो है न्याय जरूर करें। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुनवाई थी और वो अब 2 मई कर दी गई है, रेलवे ने टाइम मांगा है, हमने नहीं मांगा, हमारे पास पहले भी कागज़ पूरे थे और अब भी कागज़ पूरे हैं, और अब जो रेलवे के कागज़ थे जो जिस बिहाफ पे हाईकोर्ट से उन्हें मिला था 7 दिन में तोड़ने का, अब पता नहीं उन कागज़ों का उन्होंने क्या किया जो उन्हें 8 हफ्ते और चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सीमांकन को लेकर अभी डिले हो गया था, सीमांकन नहीं हो पाया था। सीमांकन तो पहले भी वही था, सीमांकन अब जो हुआ आप लोगों ने भी उसको कवरेज किया है, बाकी और लोगों ने भी कवरेज किया है। सीमांकन हमारा, हम कभी थे ही नहीं रेलवे में, हम अपनी जमीन पे मौजूद थे शुरू से और अभी हम अपनी जमीन पे। रेलवे की जहाँ जमीन निकल रही थी वहाँ निकल रही थी, वो पेपर सीमांकन हो गया, लेकिन अब वो कौन से कागज पूरे करेंगे अल्लाह बेहतर जाने। कितनी अब आपको उम्मीद है 2 तारीख की? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ वनभूलपुरा के लोगों को एक जो है खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जिस तरीके से एक आश्वासन जो है इनको जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और भी कुछ लोग है जानेंगे किस तरीके से देखते हैं कि रेलवे के द्वारा जो कागज है वो कागज सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश करेंगे। धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने आज की हमें जो डेट दी थी उसके बाद उन्होंने सेकंड अब जो डेट दी है, थर्ड डेट जो दी है वो 2 मई दी है, और लिहाजा मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बनभूपुरा के लोगों से, कि वो अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हाजी अब्दुलमतीन सिद्दीकी साहब का, जो उनके वकील साहब हैं, जो उनके सीनियर वकील हैं, वो सारी मेहनत कर रहे हैं,
और उन्हीं के आधार पे पहले भी स्टे मिली और अभी भी इंशाल्लाह दोबारा फिर मैटर होगा। मैं लोगों से ये भी यही अपील करना चाहता हूँ कि किसी तरीके की भी किसी के बेकायदे में ना आए और अपने इलाके की शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन का सहयोग हमारे साथ कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और हमारी मीडिया की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, हमारी मीडिया भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ उत्तराखंड न्यूज़ का, 31 का, जो बिल्कुल एक एक पल की खबर हमारे बनमूलपुरा की लोगों तक पहुंचाती है। रेलवे की अगर बात करें, रेलवे के जो द्वारा सीमांकन किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लगता कि रेलवे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पैरवी थी, जो अच्छी तरीके से रेलवे द्वारा कागज जो है पुख्ता कागज नहीं दिया गया, इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 2 मई को अगली पूरा की सुनवाई। रेलवे ने हाई कोर्ट को भी गुमराह करा और रेलवे सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। उसमें रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न उसमें यही है कि रेलवे अगर चाहती तो वो अपना एविडेंस सबसे पहले वहाँ रख सकती थी हाई कोर्ट में, ये फैसला वहीं हो जाता। लेकिन रेलवे ने ये ना करके अपना जो फैसला रखा वो वहाँ रखा, ताकि ये हमें डेट पे डेट आगे तक मिलती रहे। ना कि रेलवे के पास कल भी कुछ प्रूफ थे, ना आज भी हैं, और आगे भी वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें फिर आगे डेट मिले। सीमांकन हुआ, नापाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक रेलवे के पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो रेलवे किस बेस पे कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है? रेलवे की 90 के आसपास जो सेंटीमीटर जो जगह गई है वो उनकी गोला में गई है, वन विभाग में गई है। तो अब वन विभाग से बात करें तो कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा जिस तरह से सीमांकन जरूर यहाँ किया गया, लेकिन कोई जो पक्का जो सबूत, जो पक्का जो कागज जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सका, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 2 मई को सुनवाई की तारीख तय करी है। अब ऐसे में देखने वाली की बात है कि क्या आने वाले 2 मई को रेलवे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कोई पक्के दस्तावेज दे पाती है कि नहीं। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ।